जंग अपने आखिरी दौर पे पहुंच गई है। चार फाइनलिस्ट हो चुके हैं फाइनल और चारों के चारों अब बस यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नच खत्म हो। जीत की होड़ तो लगी ही है, लेकिन उससे ज्यादा होड़ लगी है नच बलिए से फ्री होने की, क्योंकि नच बलिए में हिस्सा लेने के बाद इनकी हालत क्या हुई है ये आप खुद इनसे ही सुन लीजिए। नंदिश ने मेरी कमर तोड़ दी, नंदिश ने मेरा अंगूठा तोड़ दिया, नंदिश ने मेरा शोल्डर तोड़ दिया। ऐसा सर मजाक में बोल रही हूँ, डांस कर दिया। गर्दन तोड़ो, दांत तोड़ो, अपने दिल की बातों को बुजुबान तक मत लाओ। तू निकलवा रही है ना, गले में उंगली डाल। ने बहुत पापड़ बेले है। नंदेश का शोल्डर टूट गया है और मेरे अंगूठे में और मेरी लोअर बैक में दर्द हो गया है। हम लोग ने खूब मेहनत करी है, जम के मेहनत करी है और अब फाइनल रिजल्ट उसकी देरी है। ये तो वैसे ही शुरू से ऐसा ही है, यहाँ पे कम होता है घटते रहता है, मुझे तकलीफें होती रहती है। हाँ तो दिखाते, ये मेरा राइट डोला देखो, ये मेरा लेफ्ट डोला देखो। वेट, मतलब वजन तो बहुत कम हो चुका है हम दोनों का, और चोट की बारे में होता है ना तो आई डोंट थिंक करिश्मा को कुछ लगा है, मगर मुझे आपको क्या बता सकता। प्लीज, चोट मुझे भी बहुत लगी है। आप देखेंगे मेरे जितने भी परफॉर्मेंसेस है उसमें ब्लैक ब्लू सब जगह मेरे पैरों पे टांगों पे लगा है। मुझे तो दिल पे चोट हुआ है। इनको इंटरनल इंजरी ज्यादा हुई, जैसे कि नेक स्प्रेन हो गया है, बैक स्प्रेन हो गया है। आप बता सकते इसका वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे लिप्स डालते हैं हमारे जो कोरियोग्राफर है, और मैं हल्की फुल्की तो हूँ नहीं, तो फिर वो थोड़े हाइट के चक्कर में, थोड़े वेट के चक्कर में कि लोग मानते नहीं, अरे किस्मत तो बहुत पतली है, लोग मानते नहीं ये चीज। देखिए पुरुषों का जहाँ तक सवाल है ये सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे पुरुष जानते हैं कहाँ कहाँ टूटे हुए हैं, बट डेफिनेटली ऑफ कोर्स डांस बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। जैसे पेड हॉलीडे होता है मेरी, वैसे मेरी पेड डाइट हो गई ऐसा मैं कहती हूँ। और जो शादी के बाद का एक जनरल वजन चढ़ता है लोगों पे कि अरे अच्छा लग रहा है अभी शादी हो गई ऐसे लग रहा है, तो वो सब निकल गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई थिंक अम्मू का कुछ नहीं, मेरा कुछ राइट घर पे मिलो तुम। लंबी लिस्ट है एक्चुअली। पहले तो इसका नेक का जो डिस्क होता है वो भी खिसक गया है, उसका नी C4 ओके, लिगामेंट टेयर है दोनों नीज का, उसके नी बाहर आते हैं शायद अभी पता नहीं। आइसोलेशन होता है, जितने भी आइसोलेशन करने वाले हिप हॉपर्स हैं ना ध्यान रखो, मेरे नी आइसोलेट करते हैं। फिर उसको बैक का, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, एंड और कुछ नहीं, माइग्रेन, साइनस, विटामिन डी, विटामिन B12, यू नो ये सब। ये तो बात हुई इनके दर्द की, लेकिन अब जरा इनकी ये मेहनत प्रोमो शूट में भी देख लीजिए। ये प्रोमो शूट तो होगा चंद सेकंड्स का, लेकिन इन चंद सेकंड्स के लिए इनकी कितनी मेहनत लग रही है। परफेक्ट लिफ्ट के लिए इन्हें 10 बार रीटेक देना पड़ता है, और अगर कोरियोग्राफी परफेक्ट ना बैठे तो वहीं के वहीं चेंज भी करनी पड़ती है। सारी मशक्कत होती है इस छोटे से प्रोमो शूट के लिए। वैसे इस प्रोमो शूट के दौरान नच बलिए की जोड़ियों ने सेल्फीज तो खींची एक साथ, लेकिन इसके साथ ही सभी जोड़ियों ने हमें स्ट्रॉन्ग दावेदार के बारे में भी बताया। वो डर नहीं है एक्चुअली, जब हम लोग ऐसे वाइल्ड कार्ड आए थे तो हमारे पहले हिमांशु अमृता, उन लोगों ने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए, दे वर द टॉप स्कोरर्स। हाँ, हमेशा हमारे से पहले। आई थिंक इन अ वे हिमांशु इज अ स्ट्रॉन्गर डांसर, ही इज बिकम अ स्ट्रॉन्गर डांसर देन मी टुडे। और मैं बस इतना कह सकती हूँ अपने से कंपेयर कर सकती हूँ, बिकॉज किसी और से है तो मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकती। अब देंगे हर हफ्ते ना ऑडियंस को भी अधिक जाएगा कि हम कितना मेहनत करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया लाने के लिए शो में। आई थिंक इस बिकॉज ऑफ दैट हम कुछ यूनिक लाते हैं, हम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बाकी की तीनों जोड़ियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन
वन जोड़ी दैट वी शुड रियली लुक आउट फॉर इज मयूरेश और अजीशा, क्योंकि वो लोग बहुत ही बेहतरीन डांसर्स हैं और इतनी बार वो परफेक्ट स्कोर्स ला चुके हैं 30 on 30 के. अब उनसे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला है फिनाले में. हम तो यही कहेंगे सारी जोड़ियों को कि अपने कंपटीटर के बारे में सोचना छोड़िए, अपनी मेहनत से इस नच बलिए की ट्रॉफी को जीतिए, क्योंकि इसके बाद आप सभी को एक लंबे वैकेशन पे भी तो जाना है. आरती गुप्ता पांडे, एबीपी न्यूज़, मुंबई.